एनीवेज बेटा जी, कल हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। उस स्ट्रक्चर को हम उसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करेंगे, उसमें मज़ीद एक्सटेंशंस को देखेंगे और उसके अल्टरनेटिव्स को देखेंगे। तो उस हवाले से हम एक आध प्रोग्राम उसको रिपीट करते हैं ताकि उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाएँ और फिर आगे उसमें मज़ीद जो चेंजेज़ आती हैं उसको देखेंगे। तो एक दो तो प्रोग्राम हैं जिनमें आपको लिखवा देता हूँ। Write a program that enter a string from user. User से एक string enter करें। बेटा अपना mic बंद कर दें। User से एक string input करनी है, फिर उसके बाद check करना है and check whether the entered string is a palindrome or not। अच्छा, ये जो palindrome होता है ये चेक करना है कि palindrome है या नहीं है। एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है ना 1 2 3 4 3 2 1। आप इसको जिस साइड से भी रीड करें ना वो इस तरह ही हो, यानी कि आप इधर से रीड करना शुरू कर दें 1 2 3 4, इधर से रीड करें तो भी 1 2 3 4 आता है। सिमिलरली इसकी एग्जाम्पल है, आप लिखते हैं जिस तरह दोपहर नून, ठीक है, जिधर से भी रीड कर लें ये नून ही पढ़ा जाएगा। सिमिलरली हम कहते हैं लेवल, तो ये लेवल जिस साइड से भी रीड करेंगे ये लेवल ही होगा। इधर आप लेफ्ट साइड से रीड कर लें, इधर आप राइट साइड से रीड कर लें। इसको हम कहते हैं प्लेंड्रम, प्लेंड्रम भी कहते हैं, प्लेंड्रम भी कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रिंग जिसको लेफ्ट या राइट दोनों साइड से रीड किया जाए तब भी वो सेम ही प्रनाउंस हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेंड्रम। तो आमतौर पर प्लेंड्रम जो होते हैं वो इवन होते हैं, ऑड होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इवन भी होते हैं, जिस तरह भी हमने लिखा नून है, ठीक है, तो ज़्यादातर ऑड होते हैं लेकिन इवन पॉसिबल होते हैं, इवन कम होते हैं, ठीक है, लेकिन पॉसिबल ज़रूर होते हैं। अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, हमारे पास एक्सेल ओपन है, हम यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करते हैं और हमने एक स्ट्रिंग लेनी है यूज़र से, डिम प्लेंड्रम को पी एल लिख देते हैं एज स्ट्रिंग। यूज़र से हमने एक स्ट्रिंग लेनी है तो हम इनपुट बॉक्स लगाते हैं एंटर अ स्ट्रिंग और इसको नाम रख देते हैं प्लेंड्रम चेक का। इसका जो टाइटल है वो प्लेंड्रम चेक है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक इनपुट ले रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमें चेक करना है कि प्लेंड्रम है या नहीं है। मैं कहता हूँ इफ़ ये जो प्लेंड्रम स्ट्रिंग है इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग रिवर्स ऑफ प्लेंड्रम, अगर ये दोनों हों देन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर द एंटर्ड स्ट्रिंग इज अ प्लेंड्रम स्ट्रिंग, ठीक है। एल्स में हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स द एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट अ प्लेंड्रम और यहाँ पे इसको हम एंड करते हैं, हमें ये अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए प्रोग्राम किया है। तो जो भी स्ट्रिंग ली है उसका रिवर्स बना के देखेंगे, अगर उस स्ट्रिंग और उसका रिवर्स दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास पहला जो बक्स है, पहला ब्लॉक है, ये रन होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो दूसरे वाला ब्लॉक रन होगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि जो नंबर हमने एंटर किए हैं क्या वो प्लेंड्रम है या प्लेंड्रम नहीं है। सो इसको देखते हैं रन करके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, तो डेफिनेटली ये प्लेंड्रम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लफ्ज़ जो अभी हमने पढ़ा लेवल है तो वो प्लेंड्रम लेवल है, तो लेवल द एंटर्ड स्ट्रिंग इज़ अ प्लेंड्रम। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ नून, तो वो प्लेंड्रम है। सिमिलरली
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से मैडम है, प्लेंडरम है, मॉम डैड लिख सकते हैं आप। सिमिलरली सिविक इज अ प्लेंडरम, सिमिलरली रेडार जो होता है इज ऑल्सो प्लेंडरम, ठीक है। तो ये प्लेंडरम की एग्जांपल है। स्टैट होती है, स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स को स्टैट्स कहते हैं ना, स्टैट्स ये एक प्लेंडरम है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं प्लेंडरम की। और बाकी आप कुछ तरह लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो दिस इज़ नॉट अ प्लेंडरम, ठीक है। तो प्लेंडरम की ये निशानी होती है कि आप इसको रिवर्स में भी अगर रीड करते हैं, इधर राइट साइड, तो फिर भी वो सेम प्रनाउंस होती है और स्पेलिंग और मीनिंग के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये हमारे पास प्लेंड्रम है। एक और प्रोग्राम करते हैं, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर टू नंबर्स फ्रॉम यूज़र, यूज़र से दो नंबर लेने हैं, एंड चेक आइदर दीज टू नंबर्स, आइदर फर्स्ट सेकेंड नंबर इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर। इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 25, और दूसरा नंबर है 5, तो 5 के मल्टीपल्स के अंदर 25 आ रहा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 4, तो 4 के मल्टीपल्स के अंदर 25 नहीं आता, 24 आता है या 28 आता है। यहाँ पे 3 लिखा होता तो अभी नहीं आता। सिमिलरली हम करते हैं 72, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो 4 के मल्टीपल्स के अंदर 72 आता है, ठीक है। तो हमने ये चेक करना है कि क्या फर्स्ट नंबर जो है, उस सेकंड नंबर उसके जो है ना, वो मल्टीपल्स के अंदर आ रहा है, यानी कि उसके टेबल में हम कह सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं, डिम ए बी एज इंटीजर, ठीक है। इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या टेबल के अंदर आता है या नहीं आता। ए इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करना है हमने। फिलहाल मैंने इसको कोई और पैरामीटर नहीं दिया। इनपुट बक्स एंटर सेकंड नंबर। तो दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इन दो नंबर्स को चेक करना है कि मल्टीपल हैं। मैं कहता हूँ इफ़ ए मॉड बी इज़ इक्वल टू 0, अगर ए बी के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देन हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स में द फॉर द नंबर एंड बी एंड इज मल्टीपल ऑफ एंड बी, यहाँ पे आना, यहाँ पे आएगा ए, इज मल्टीपल ऑफ बी। एल्स में लिख देते हैं मैसेज बॉक्स द नंबर एंड ए एंड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एंड बी। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज़ यहाँ पे लिखी है, हम नंबर्स भी लिख सकते हैं एंड इफ करना है। तो दो नंबर्स लिए हैं और फिर हमने उन दोनों को डिवाइड करके देखा है कि क्या उसका मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। अगर 0 आता है तो उसका मतलब है कि वो मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल कब होता है? जब उसी चीज़ सेम नंबर के टेबल के अंदर आ रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था 72 है, तो 72 जो है ना वो 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है,
तो 72 जो है ना वो 7 के टेबल में नहीं आता, तो 7 का मल्टीपल नहीं है वो। इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर है 72, सेकंड नंबर है 6। वो कहता है द नंबर 72 इज मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 को हमने मल्टीप्लाई किया आई थिंक 12 के साथ, तो 72 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं करता हूँ 72 और 6, सॉरी 72 एंड 7, तो कहता है द नंबर 72 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, क्योंकि वो 7 के टेबल में नहीं आ रहा, 7 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इफ़ और एल्स का, ठीक है। अगर हमारे पास दो कंडीशन, दो एजिज होते हैं एक कंडीशन के, तो दो कंडीशंस हो, पास और फेल हमने शो करना हो, लेकिन कुछ ऐसे स्नैरियोज आते हैं उनमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस दो से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। पास फेल एक ऑप्शन थी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा इवन ऑड एक जो है ना वो ऑप्शन, दो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था। लीप ईयर में दो ऑप्शंस थी, लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम हम कर सकते हैं कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, फिर मल्टीपल होगा या नहीं होगा, दो ही ऑप्शंस थी। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो ऑप्शंस ज़्यादा भी होती हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड के अंदर नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, जैसा कि जो ग्रेड है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, एट्सेट्रा, ठीक है। सिमिलरली जो मौसम है ये चार तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेड उनकी कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं और नंबर ऑफ डेज डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऑप्शंस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसके लिए फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इफेल्स, ठीक है। मल्टीपल इफेल्स तो हम उसको कहते हैं, उसको मैं देखता हूँ कोई पड़ी हुई है फाइल अगर उसकी, तो मल्टीपल इफेल्स, तो ये हमारे पास मल्टीपल इफेल्स अवेलेबल है। हम इसको इफ एल्स इफ भी कहते हैं, मल्टीपल इफेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, एग्जीक्यूट वन ब्लॉक फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स, ठीक है। बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें से सिंपल एक ब्लॉक रन होता है। अभी इसका अगर फ्लो चार्ट देखें तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास अगर आपके पास ऑप्शंस एक से ज़्यादा हों तो कंडीशंस भी एक से ज़्यादा लगती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी डी ई और फेल, छह ग्रेड्स हैं ना, छह ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब है कंडीशन भी एक नहीं लगेगी, एक से ज़्यादा कंडीशंस लगेंगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितनी लगेंगी, जितनी नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे उनमें से आपने वन माइनस करना है, देन आपके नंबर ऑफ कंडीशंस आ जाएंगी। तो अगर आपके पास छः ग्रेड्स हैं, ठीक है, ए ग्रेड है, बी सी डी ई एफ, सिक्स ग्रेड्स हैं, देन आपकी फाइव कंडीशंस लगेंगी। अगर हमारे पास ए प्लस है, फिर ए है, फिर बी प्लस है, फिर बी है, फिर सी प्लस है, फिर सी है, फिर डी प्लस है, फिर डी है, फिर ई प्लस है, फिर ई है, फिर एफ है, तो हमारे पास 11 ग्रेड्स बनते हैं। इसका मतलब हमारे पास 10 कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ ऑप्शंस होती हैं उनमें से हम वन माइनस करते हैं। फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, हम देखते हैं, हम जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने सबसे पहले कंडीशन वन को चेक किया, जो सबसे टॉप पे इफ़ लगा होगा हम उसको चेक करेंगे। अगर तो उसकी कंडीशन जो उसके अंदर हमने बाय कंपैरिजन ऑपरेटर लिखी हुई है वो ट्रू है, तो हम इस ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, इस ब्लॉक को रन करेंगे, और ब्लॉक को रन करने के बाद आप देखते हैं सीधा रास्ता जो है वो आपको एंड पे ले जाता है। इसका मतलब ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, ब्लॉक एन तक आपने कोई चीज़ रन नहीं की, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे ब्लॉक रन हो जाएंगे। हमने ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास सो मैनी ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ एक एग्जीक्यूट करना होता है। पाँच हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उन सभी में से कोई एक ब्लॉक रन होता है, बाकी सारे ब्लॉक स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई, हमने ब्लॉक वन रन किया और हम यहाँ पे आ गए। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप जाएंगे सेकंड कंडीशन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हम गए सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका ब्लॉक रन करेंगे, और ब्लॉक रन करने के बाद आप देखते हैं रास्ता आपको एंड के ऊपर लेके आ रहा है। ब्लॉक वन स्किप हो गया, 3 4 5 अप टू एन तक सारे स्किप हो गए, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर हमें आएंगे थर्ड कंडीशन के ऊपर, एंड सो ऑन। ये डॉट्स लगे हैं उसका मतलब
इसके दरमियान बहुत सारी कंडीशंस होंगी, उनको चेक करते जाएंगे। जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक रन करेंगे, वरना आगे स्किप हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसका फ्लो चार्ट है, इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं विद एग्जांपल, लेकिन हम उससे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स अवेलेबल है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि हमारे पास चीज़ें क्लियर हों। इफ़ आपके पास जो है ना ये एज इट ही होता है ब्लू कलर में, देन एज इट होगा ब्लू कलर में। अगेन ये एल्ज इफ, ये एज इट ही आना है, एल्ज जितने भी एन होंगे कंडीशंस लगाने के बाद। और ये जो कंडीशन है ये आपके लिए ऑप्शन है, ब्रैकेट लगाएं या ब्रैकेट ना लगाएं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है कि आपने जब एक कंडीशन से दूसरी पे जाना है तो आप एल्ज लिखने के बजाय एल्ज इफ लिखते हैं, यानी कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आप दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर दूसरी ट्रू नहीं है तो फिर तीसरी चेक कर रहे हैं, तीसरी ट्रू नहीं है तो चौथी चेक कर रहे हैं। अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो फिर आपके पास ये एल्ज वाली सूरत हाल तो अवेलेबल है ही है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें तीन ब्लॉक नज़र आ रहे हैं और चौथा ये, चारों में से कोई एक रन होगा, बाकी तीन स्किप होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास चार ब्लॉक हैं, चारों के चारों स्किप हो जाएं या चारों के चारों रन हो जाएं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपने कोई लॉजिकल एरर लिखा है, वैसे ऐसा होता नहीं है पॉसिबल। ठीक है, सो हमारे पास ये इसका फ्लो चार्ट है, इसको मद्देनज़र रखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं और देन वापस आते हैं। सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर टुडेज टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर यूजर से लेना है। ठीक है, फिर हम कहते हैं इफ द टेम्परेचर टेम्परेचर इज, अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है 35, देन हम शो करेंगे इसको। अगर 35 से ज़्यादा है तो हमारे पास समर, हम कह सकते हैं समर सीज़न चल रहा है। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 20 से 35 के दरमियान है तो हमारे पास चल रहा है नॉर्मल, जिस तरह की आजकल है। अगर बिलो 20 हो देन हमारे पास होगा विंटर। ठीक है, 20 से नीचे होगा तो हम उसको कहते हैं ये सर्दी का मौसम है। तो ये हमारे पास तीन, अब देखिए तीन ऑप्शंस आ गई हैं। जब आपके पास दो से ज़्यादा ऑप्शंस होंगी तो इसका मतलब है कंडीशन भी एक से ज़्यादा लगेगी। अब हमने बोला कि जितनी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उतनी हम नंबर ऑफ कंडीशन, उनमें से वन माइनस करके उतनी नंबर ऑफ कंडीशंस लगाते हैं। तीन ऑप्शंस हैं इसका मतलब है दो कंडीशंस लगेंगी, चार ऑप्शंस होती है तो इसका मतलब तीन कंडीशंस लगनी थी। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, इसका मतलब दो कंडीशंस लगनी है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट एंटर टुडेज टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर इनपुट करने का पहले हम कोडिंग कर लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, डिम टेम्परेचर एज इंटीजर, और टेम्परेचर की वैल्यू लेते हैं यूज़र से, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर टुडेज टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर एंटर करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कंडीशन लगाने की। कंडीशन लगाने के लिए हम उसके सिंटैक्स के ऊपर जाते हैं। पहले ये कंडीशन लगाएंगे, पहली वाली कंडीशन जो है ना वो जिस तरह से हम पहले लगा रहे हैं, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ठीक है, अगर टेम्परेचर 35 या उससे ज़्यादा है देन हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में, इट्स समर सेशन। तो पहली चीज़ तो हमारे पास कवर हो गई, अगर टेम्परेचर 35 या उससे ज़्यादा आता है तो हमने ये लिखना है और बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास है इफ एल्ज इफ, अगर हमारे पास पहली कंडीशन मीट ना कर रही हो
तो फिर हम एल्स इफ लगा के दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि 35 से कम हो और लेकिन 20 से ज़्यादा हो। देखें ज़रा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग में, टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 हो, देन हमने लिखना है मैसेज बॉक्स इट्स नॉर्मल वेदर। एल्स में हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में इट्स विंटर। और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड इफ। अब बेटा जी फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और इसका फ्लो देखते हैं कैसे हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर जो एंटर किया गया है वो 46 है। पहली कंडीशन पे आए हम, तो पहली कंडीशन थी टेम्परेचर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 35। 46 जो है वो 35 से अच्छा खासा ज़्यादा है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन ट्रू हुई। हमने लिखा समर सीज़न है और हम यहाँ से यहाँ पे आके एंड करके विंटर और नॉर्मल वाला ब्लॉक स्किप हो गया, ठीक है। लेकिन देखें जब हम 34 एंटर करते हैं, 30 टेम्परेचर है फॉर एग्ज़ाम्पल आज, तो पहली कंडीशन होगी फॉल्स, पहली कंडीशन रन नहीं होगी, उसका ब्लॉक स्किप हो जाएगा, ठीक है। 34 पे पहली कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई हुई है, टेम्परेचर ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। अब देखिए 20 से ज़्यादा है आज का टेम्परेचर, 30 है, तो 30 की सूरत में यानी कि दूसरी कंडीशन ट्रू होने की सूरत में उसका ब्लॉक रन होगा, एंड एग्जीक्यूटिंग दैट ब्लॉक हम क्या लिखेंगे। हाँ जी बेटा, इसीलिए फिर लेस देन 35 भी नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं, लेस देन 35 क्यों लिखना, ऑटोमेटिकली नहीं हो गया। देखिए पहली कंडीशन मीट ही नहीं की, 30 था तो पहला तो जी सर ठीक है, पहला तो जो है ना वो ब्लॉक स्किप हो गया, दूसरे ब्लॉक पे आ गए हम। अब तो दूसरे ब्लॉक में लिखा हुआ ग्रेटर देन 20 है, अगर तो 20 था वो 30 था टेम्परेचर, 20 से ज़्यादा था, इसका मतलब ये रन हो जाएगा। समझ आई बात की, अगर ये रन हो गया इसका मतलब पहला और तीसरा स्किप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर एंटर करता हूँ जो वो है लेट्स सपोज 18, तो पहली कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल टू 35, वो तो नहीं है। फिर दूसरी थी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, वो भी नहीं है। फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी, अगर 20 भी नहीं है तो उससे कम ही होगा, फिर जाहिर है कुछ भी हो जाए उससे कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं ना होगा, तो उस सूरत में हमने उसको बोल दिया विंटर सीजन है। तो तीन ऑप्शंस थी हमारे पास, 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ कंडीशंस हमारे पास 1 और 2 लगी, ठीक है। तीसरा ऑटोमेटिकली ऑप्शन एल्स में चले जाती है, ठीक है। एक्चुअली तीन ही ऑप्शंस हमने लिखी हैं, लेकिन तीसरी ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर चले जाती है। समझ आई बेटा बात जी बेटा? सर ये जो नॉर्मल वेदर है इसके लिए तो दोनों लिमिट्स नहीं अप्लाई करेंगे, एक इसकी जो लोअर है वो 20 है और 35 इसके ऊपर है, तो अगर हम टेम्परेचर 40 पुट करते हैं तो उसमें पहली वाली कंडीशन भी अप्लाई होती है और दूसरी भी होती है। बेटा हमने ये बोला इसका फ्लो चार्ट सामने रखें अगर, तो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है ना तो हम दूसरी को चेक करने ही नहीं जाते, ये इसका रूल है। हम पहली का ब्लॉक रन करके डायरेक्ट उस कंडीशनल स्ट्रक्चर से बाहर आ जाते हैं, फिर हम दूसरे को चेक ही नहीं करते, ठीक है। अगर टेम्परेचर 40 है, गो के दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, पहली भी और दूसरी भी, लेकिन हमने जो पहली कंडीशन जो उसके मुताबिक ठीक है हम उसको फुलफ़िल करके ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं। इसका रूल ये है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, एग्जीक्यूट वन ब्लॉक फ्रॉम मैनी, जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू मिलती है उसका ब्लॉक रन करते हैं और हम कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको हम कंडीशन स्ट्रक्चर कहते हैं, इस कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम बाहर आ जाते हैं। तो पहली कंडीशन अगर 40 है ना, तो 40 की सूरत में आपकी सिर्फ पहली कंडीशन जो है ना वो चेक होगी, पहली कंडीशन ही ट्रू होगी है, बाकियों को वो बॉदर करता ही नहीं है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगली एग्जांपल करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि पहली कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आगे वाली कंडीशंस को तो वो चेक करेगा ही नहीं, वो कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट एंडिफ पे, और जो चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी अगर लिखी हुई होंगी तो उनको रन करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर टेम्परेचर है 32, देन उसकी पहली कंडीशन फॉल्स है,
पहली कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में वो दूसरे पे आता है। देखें इसके अल्फाज के ऊपर गौर करें, कहता है कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन परफॉर्म दिस, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, एल्स इफ़, क्या लिखा हुआ है, एल्स इफ़। इससे मुराद ये है कि अगर ये नहीं है तो फिर इस पे आए। अगर मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ ना ये एल्स, ठीक है, इस तरह का भी एक स्ट्रक्चर है, तो फिर ये दोनों रन होते हैं। आपको वो कहता है कि इसका इसका एंड इफ का ब्लॉक दें, उसको अलहदा से एंड इफ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो भी एक स्ट्रक्चर है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ना। तो सर अगर हम लोग एग्जैक्ट 35 टेम्परेचर दें तो ये समर सीजन देगा। हाँ जी बिल्कुल देगा, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन सर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि जो नॉर्मल वेदर है उसमें 20 to 35 भी आ सकता है। हाँ तो आप अगर आपको कंडीशंस इस तरह की हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है ना कि 35 और अबव अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे 34 होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 35 है और यहाँ पे और अबव नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपके पास इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे जाके इसका इक्वल साइन उड़ा दें, ठीक है। 35 होगा तब भी कंडीशन ये फॉल्स ही होगी, ठीक है, फिर भी उसको चेक करेगा और ये वाला ब्लॉक रन कर देगा। अगर आप लिखते हैं इक्वल तो इसका मतलब 35 को भी वो समर काउंट करेगा, ठीक है। तो ये 35 को समर काउंट कर रहा है। आप इसको रन करके दिखाता हूँ। टेम्परेचर है फॉर एग्ज़ाम्पल 46, तो समर है। अगर टेम्परेचर 32 है तो इसका मतलब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है लेकिन दूसरी चल रही है नॉर्मल। और अगर हम कहते हैं टेम्परेचर है 19, तो पहली भी कंडीशन फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला स्ट्रक्चर हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं और देन उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी करेंगे नेक्स्ट फेज के अंदर। राइट अ प्रोग्राम, बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है, कोई भी सब्जेक्ट हो इधर कोई भी लैंग्वेज हो प्रोग्रामिंग की, तो पढ़ाते वक्त हम ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर करवाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम 100 मार्क्स, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। जो मार्क्स स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए 100 में से वो एंटर करे, इफ द मार्क्स, यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ए ग्रेड है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होंगे तो हम उसको कह देंगे बी ग्रेड है। ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होंगे तो ये सी ग्रेड है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होंगे देन तो ये डी ग्रेड है, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है ये वाला ई ग्रेड, कुछ में नहीं होता, एनीवेज हम इसको कह देते हैं ई ग्रेड। एंड बिलो 50 उसको हम कह देते हैं एफ और फेल, एफ ग्रेड या फेल कह देते हैं उसको। अब देखें इसका जो सिमिलर स्ट्रक्चर इसी जैसा है, लेकिन इसमें हमारे पास थी तीन ऑप्शंस, इसमें हमारे पास है तीन और तीन छः ऑप्शंस। तो जितनी ऑप्शंस होती हैं उनमें से वन माइनस करें उतने नंबर ऑफ कंडीशंस होंगी। तीन ऑप्शंस थी तो दो कंडीशन, छः ऑप्शंस थी तो पाँच कंडीशंस। अब पाँच कंडीशंस जब हम लगाते हैं तो छठा ऑप्शन ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर चला जाता है, यानी कि जो फेल वाला होगा वो एल्स के अंदर चला जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, डिम मार्क्स एज इंटीजर, मार्क्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर योर मार्क्स, इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 0 की, ठीक है। अब देखिए हमने पांच कंडीशंस लगानी है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस 6 हैं। इफ़
मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, 90 या उससे ज़्यादा है, उस सूरत में हम कहते हैं मैसेज बॉक्स में लिख देंगे ए ग्रेड। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होंगे तो देन हम उसको कह देते हैं मैसेज बॉक्स में बी ग्रेड। अभी जिस तरह यूनिवर्सिटी में जो तो हमारे पास स्कीमिंग है वो उसमें ए प्लस भी आता है, ए आता है, ए नेगेटिव आता है, फिर बी प्लस आता है, बी तो उसमें 3-3 का मार्जिन होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा 15-20 कंडीशंस लगानी पड़ती हैं आपको। तो हम एग्जांपल पे तौर पे क्योंकि कर रहे हैं तो हम 6 वाली ऑप्शन जो है ना जिनके अंदर 5 कंडीशंस लगती हैं उसको कर लेते हैं। अगर 80 भी नहीं है तो देन एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन हम मैसेज बॉक्स में लिख देंगे सी ग्रेड है। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होंगे देन हम उसको कह देंगे मैसेज बॉक्स में ये डी ग्रेड है। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होंगे देन क्या होगा मैसेज बॉक्स में लिख देंगे ई ग्रेड है। अब हमको मज़ीद कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 कंडीशंस लग चुकी हुई हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ एल्स लिखेंगे और एल्स में लिख देंगे मैसेज बॉक्स में फेल है और यहाँ पे हमने इसको करना होता है एंड इफ। इसका स्ट्रक्चर जो है ना उसको अंडरस्टैंड करें। अब एक स्टूडेंट है उसके 95 मार्क्स हैं, 95 मार्क्स होने की सूरत में ये देखें नीचे वाली सारी कंडीशंस ट्रू हैं लेकिन क्या उसको आप ई डी सी बी सारे ग्रेड्स देते हैं? नहीं, हम उसको सिर्फ एक ग्रेड देते हैं। कौन सा ग्रेड होगा? डेफिनेटली उसका ए ग्रेड होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसके पास जो है ना वो 95-96 मार्क्स हैं तो हम उसको सारे ग्रेड एलोकेट कर दें। हम उसको एक ही ग्रेड एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही है। तो एल से मुराद ये है, एल से मतलब होता है अदरवाइज। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गए तो हम अदरवाइज पे आएंगे ना, अदरवाइज तो हम यहाँ पे मूव ही नहीं करेंगे, हम कोई एक ब्लॉक रन करेंगे और नीचे मूव कर जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स हैं 91 और 90 तो उस सूरत में ये पहला ब्लॉक रन होगा और हम एंड इफ वाली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 80 हैं, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 हैं तो या 82 हैं, 83 हैं, तो पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई यानी कि उसके पास ए ग्रेड की ऑप्शन नहीं है। अब वो बी ग्रेड में आ रहा है, बी ग्रेड का क्या मैसेज बॉक्स रन होगा और उसके बाद बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। तो हमारे पास जो 6 ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक, 6 मैसेज बॉक्सेज में से एक मैसेज बॉक्स रन होगा और बाकी के सारे स्किप हो जाएंगे। तो अब इसमें से ये वाला रन हो जाएगा। अगर सिमिलरली 74 मार्क्स हैं तो तीसरा वाला मैसेज बॉक्स सी वाला रन होगा। इसको रन करके देखते हैं, 96 है तो ए ग्रेड है, 46 है तो एफ ग्रेड आना चाहिए फेल जो भी आपने लिखा हुआ है, 66 है तो डी ग्रेड आना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक और भी प्रॉब्लम है, देखें इसको मैंने लिख तो दिया सारे को, अगर मैं इसको देता हूँ ना 101 गलती से एंटर हो गई, उसको भी उसने ए ग्रेड लगा देना है, 105 लिख दिया और ए ग्रेड लगा दिया। इसका मतलब है कि अभी इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। इसके लिए मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होंगे देन हम क्या करेंगे मैसेज बॉक्स में लिख देंगे रॉन्ग एंट्री। और यहाँ पे इफ़ की बजाय एल्स इफ लिख देंगे। ठीक है, अगर आप 100 से ज़्यादा नंबर देते हैं तो उस सूरत में वो कहता है कि जी आपने एंट्री सही नहीं की। अगर आप 84 देते हैं तो इसका मतलब बी ग्रेड है। ठीक है, 76 देते हैं तो इसका मतलब सी ग्रेड है, 95 देते हैं तो इसका मतलब ए ग्रेड है। तो ये हमारे पास अब हो गई हैं 6 कंडीशंस और 7वां एल्स। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो
ये छह ऑप्शन थी यहाँ पे, इसका मतलब एक और ऑप्शन आएगी इससे ऊपर, ग्रेटर देन 100 होंगे तो उस सूरत में हम कहेंगे उसको रॉन्ग एंट्री। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन जो हैं वो 7 हो गई हैं, इसका मतलब 6 कंडीशंस लगेंगी। पहले 6 थी तो 5 कंडीशंस लगी हुई थी, अब हमारे पास कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और सातवीं जो चीज़ है वो else के अंदर डाल दी गई है। तो ये हमारे पास, जी बेटा क्वेश्चन है, अगर नेगेटिव मार्किंग के लिए कंडीशन लगानी हो तो एंटर लगानी होगी फिर। अगर कोई बच्चा मतलब टीचर से गलती से वो -60 नंबर एंटर हो जाए, आप ये कह रहे हैं? यस, अब वैसे एंटर टेस्ट में भी इस तरह होगा कि नेगेटिव में मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें लिख देंगे एल्स इफ मार्क्स लेस देन 0 होंगे तो उस सूरत में हम कह देंगे, यहाँ पे लिख देंगे देन के साथ, यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड एंट्री या रॉन्ग एंट्री, इस तरह हम कर सकते हैं, और एंड पे लिख देंगे फेल है। समझ आई बात की? यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन 1 0 कर दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उस सूरत में मैसेज बॉक्स में लिख देंगे फेल, और यहाँ पे एल्स लिख देंगे उसमें लिख देंगे मैसेज बॉक्स में रॉन्ग एंट्री। हमने सारे को कवर कर लिया इसमें। अब देखें जी, अगर मैं इसके नंबर देता हूँ 0, 0 बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, और अगर मैं इसको दे देता हूँ -5, -1, तो उस सूरत में उसको रॉन्ग एंट्री कह देता है। तो अपर कंडीशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, लोअर के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास जितने ब्लॉक हैं उनमें से कितने रन हुए? ओनली 1। ठीक है, 6 या 7, बल्कि हमारे पास 8 ब्लॉक्स हो गए, उन सभी में से एक रन हुआ। गो के अगर इंडिविजुअली कंडीशंस को देखा जाए तो जिस बच्चे के 96 मार्क्स हैं उसकी सारी कंडीशंस ट्रू हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ए बी सी डी ई और फेल ग्रेड भी उसके है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जितने ब्लॉक्स हमने लिखे हैं उनमें से कोई एक रन होता है, जो पहले आ गया, जो ब्लॉक पहले, जो कंडीशन हमें पहले लिखी हुई है, अगर वो मीट हो गई है तो नीचे वाली को चेक नहीं किया जाएगा कि इधर वो मीट हो रही है या वो मीट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास इसका एल्स इफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल इफ। ठीक है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, इफ देन एल्स इफ इसको कहते हैं, और इसके अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाते हैं, और डेफिनेटली ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा जो है ना वो एप्लीकेबल है। इसके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और इन एग्जांपल्स को हम जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर हो जाए। उसके बाद इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आता है कि इफ नेस्टेड इफ एल्स क्या होती है, और इसको हम देखेंगे, सो ऑन कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सीआर, आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो